जो नाम है, जो टॉपिक है, वो हमारे पास क्या है, रियल नंबर्स। यानी कि ये पूरी जो यूनिट है वो अब क्या है, रियल नंबर के ऊपर बेस करेगी। हम रियल नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, रियल नंबर्स में, फ्रैक्शन में, रैशनल में, इंटीजर में, हर तरीके से हमारे पास स्क्वायरिंग में, स्क्वायर रूट निकालना, तो ये डिफरेंट नंबर्स दिए गए होंगे, उनको हमने क्या करना होगा, रियल नंबर्स जितने भी नंबर्स होंगे उन सबको हमने क्या करना है, डिफरेंट क्वेश्चंस के जरिए से सॉल्व करना है। बेसिकली अगर हम कहें तो हमारे पास जो ये पूरा यूनिट है वो नंबर्स के ऊपर क्या करें, गेम हम खेल रहे होंगे। नंबर्स के ऊपर हम नंबर्स को आगे पीछे डबल करके या स्क्वायर करके या उसे छोटा करके, डिवाइड करके, इन सब के ऊपर हम क्या करेंगे, खेलेंगे इस यूनिट के अंदर, ठीक है। अब नंबर्स आपको पता है नंबर्स कितने होते हैं, नंबर्स आपके पास जो है 0 to 9 होते हैं, वही नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर आपने जिस तरह यूनिट नंबर 1 पढ़ा था, नंबर सेट्स पढ़े थे जिसमें नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, सही है, आपके पास रैशनल, इरेशनल हो गया, ये डिफरेंट जितने भी नंबर्स यानी कि सेट्स थे उन सबको अगर हम एक सेट के अंदर डाल दें, ठीक है, जैसे कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इंटीजर नंबर, चाहिए इवन ऑड नंबर, वो सारे के सारे नंबर अगर हम एक ही सेट के अंदर डाल दें तो वो हमारे पास रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर में हमारे पास बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन इसकी क्या है, द रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट शो एनी क्वांटिटी मेड ऑन द नंबर इन लाइन, यानी कि एक लाइन के अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि डेसिमल आ रहे हैं, फ्रैक्शन आ रहे हैं, रैशनल आ रहे हैं, इरेशनल आ रहे हैं, होल नंबर आ रहे हैं, सेट आ रहा है, प्राइम नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, आपके पास रियल नंबर कहलाएंगे, ठीक है, वो सारे रियल नंबर, यानी कि एक लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं या क्वांटिटी मैपिंग हमारे पास शो कर रही होती है तो वो हमारी पूरी क्या होती है, रियल नंबर कहलाती है। अब इस रियल नंबर का हमने एक चार्ट बना दिया, जैसे आप बोर्ड पर दिख रहा होगा, चार्ट में आपके पास एक रियल नंबर है, उसके अंदर फर्स्ट वन रैशनल और इरेशनल को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया। तो पहले हम रैशनल और इरेशनल को डिफाइन करते हैं, देन फिर आगे चार्ट के हिसाब से चलते जाते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर आपके पास वो नंबर्स होते हैं जिसे आप क्या कहते हैं, डिवाइड करें, यानी कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो या रेशो की फॉर्म में हो, वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपके पास कोई भी क्रम हो सकती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपके पास जो है आप लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम रैशनल की बात कर रहे हैं तो रैशनल में हमारे पास इन्होंने जस्ट सिंपल बोला है जो आपके पास रेशो की फॉर्म में, रेशो की फॉर्म में जैसे कि 2.1, सही है, 2:1, सही है। इसी तरह अगर आपके पास क्या है 1:2 लिखा हुआ है, ठीक है, 1:2 या 1/2 या 2/1, तो ये हमारे पास यानी कि अपॉन की फॉर्म में हो या रेशो की फॉर्म में हो तो ये हमारे पास रैशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो पॉइंट लगा के मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी 0, तो 2.5 से क्या हो जाएगा मेरे पास 10, माइनस करेंगे 0, तो यानी कि इसकी वैल्यू क्या निकली 0.5, तो 0.5 हमारे पास क्या हो गया, रैशनल नंबर कहलाएगा। यानी कि डेसिमल में हो, फ्रैक्शन फॉर्म में हो या होल नंबर या नेचुरल नंबर में हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है। मजीद अगर रैशनल नंबर की हम बात करें तो रैशनल को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, और पी और क्यू दोनों जो होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर से लिए गए होते हैं। तो इंटीजर में आपके पास अब रैशनल के अंदर एक और चीज़ भी डेफिनेशन में है कि डेफिनेशन में बताई गई है कि क्यू जो है वो आपके पास जीरो नहीं हो सकता, यानी कि 1/2 जैसे आपने लिखा है तो ये 1 आपके पास पी है और 2 आपके पास क्या है, क्यू है, तो पी अपॉन क्यू जो है आपके पास ये रैशनल फॉर्म में है, तो ये जो क्यू है ये हमेशा आपके पास 1 से स्टार्ट होगा या -1 या +1 से आपके पास इसकी वैल्यू होगी, लेकिन जो p है उसकी आपके पास क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +-1 भी हो सकती है, +-2 भी हो सकती है, +-3 भी हो सकती है, सही है। p अपॉन q हमारे पास यानी कि 2/0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो इन्फिनिटी में चला जाता है और इन्फिनिटी ये टॉपिक अभी बहुत डिटेल टॉपिक है, तो इसलिए हम सिर्फ सिंपल पी अपॉन क्यू तक ही यानी कि इन्फिनिटी को नहीं पढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रैशनल में अगर आप बात करें तो रैशनल में हमारे पास वैल्यूज कौन सी हो सकती है, जैसे कि किसी भी एक पॉइंट का अगर पॉइंट डेसिमल है 2.333 एक साइड पर आके वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो वो हमारे पास रैशनल नंबर कहलाता है, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूसली मूव कर रहे हो, कहीं किसी स्टॉप किसी एक जगह पे रुक ना रहे हो,
तो वो हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई बात करे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन की बात की जाए तो इरेशनल हमारे पास कौन से, या हम यूँ बोल लेते हैं कि जिसका नॉन रेशो निकले, यानी कि रेशो ना निकले, रेशो की फॉर्म में ना हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल कहलाता है। वो भी हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि आपके पास नॉन रेशियो को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आप लिखें तो सही, लेकिन जब आप उसे डिवाइड करें या कुछ नंबर करें तो वो हमारे पास अगर कंटिन्यूसली मूव कर रहा हो, यानी कि पॉइंट के बाद जो है उसके नंबर चेंज हो रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रूट टू है, तो रूट टू हमारे पास रैशनल नंबर है। अब इसका जब हम रूट निकालते हैं रूट टू का, तो वन पॉइंट समथिंग, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है इसकी कंटिन्यूसली मूव करती जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास रूट, यानी जिसका रूट ना निकल सके, जैसे कि वन टू का, फाइव का, या पाए है आपके पास, पाए आपके पास किसके बराबर होता है, 22/7। इसको जब आप डिवाइड करोगे, 7 आपने बाहर लिखा, 22 आपने अंदर लिखा, तो आपको पता है 7 के टेबल पर 22 नहीं आता, 21 आता है। तो जब आप माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, फिर पॉइंट आप डालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। और जब इसका सॉल्व करेंगे 7 × 7, फिर अगेन जब माइनस करेंगे 3, फिर यहाँ पॉइंट आपने डाला हुआ 0, अब 30 है। यानी कि ये कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो कंटिन्यूसली मूव हो रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। जिनका स्क्वायर रूट ना निकलता हो, या फिर हमारे पास जो है डेसिमल के बाद पॉइंट जो है मूव कर रहे हो, या रेशियो ना हो उसका, तो वो इरेशनल होते हैं, ठीक है। तो रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन फर्स्ट पेज पे जो है आपकी जो यूनिट नंबर 1 में दी हुई है उसमें सेम ही है, लेकिन हमारे पास फर्क इसमें जो है दोनों में ये है कि हमारे पास रेशियो रैशनल में रेशियो फॉर्म में होता है और इरेशनल में हमारे पास रेशियो फॉर्म में नहीं होता। अब मजीद चार्ट का अगर हम देखें तो रैशनल के अंदर आपके पास इंटीजर भी आ रहे हैं, फ्रैक्शन भी आ रहे हैं, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया 1/2, तो 1/2 आपके पास क्या है, आपके पास 1/2 आपके पास क्या था, फ्रिक्शन फॉर्म में था। इसी तरह आपके पास जो 1 और 2 है वो दोनों भी किससे लिए गए हैं, इंटीजर नंबर से लिए गए हैं। अब इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो चार्ट में हमारे पास दिए गए कि फ्रिक्शन फॉर्म -1/2 भी हो सकता है और +1/2 भी हो सकता है, तो वो फ्रिक्शन फॉर्म में हमारे पास वो चीज़ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को शो कर रहे हैं। इसी तरह अगर इंटीजर में आ जाए तो इंटीजर में भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही हो सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव आपके पास 1 और -2, यानी ये चीज़ आपके पास हो सकती है, दोनों में चीज़, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर हो सकते हैं। अब नेगेटिव इंटीजर में भी आपके पास क्या है, 0 भी इंक्लूड होगा और पॉजिटिव इंटीजर भी, यानी कि आपके पास एक पी में 0 आ सकता है, 0.2 भी हो सकता है, ठीक है उसमें, और दूसरा आपके पास पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं। तो यानी ये सारे जो नंबर्स हैं, यानी कि जब पूरा चार्ट बनाया गया है, इसका मतलब कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो आपके पास क्या है, रियल नंबर्स के अंदर आते हैं। हमारा ये जो पूरा यूनिट है वो रियल नंबर पे बेस करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल और इरेशनल, इंटीजर और फ्रिक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं, हमारे पास एक नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक हमारे पास है टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जैसे आप छोटी क्लास में 6-7 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 5-6-7 क्लास से आपको टीचर एक क्वेश्चन दे देती थी डिवीजन का, और आप जब वो डिवीजन क्वेश्चन करते थे तो कभी कभार ऐसा होता था कि वो क्वेश्चन डिवीजन का ख़त्म ही नहीं होता था, कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता था, ठीक है। और कभी ऐसा होता था कि वो 2-3 स्टेप में आके क्या हो जाता था, क्लोज हो जाता था। इसी तरह हमारे पास जो है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, यानी कि जो फ़र्क है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का, वो क्या है कि अगर आपके पास रिमाइंडर उसका सिंपल है कि अगर कोई भी डिवीजन का क्वेश्चन आपके पास आ जाए पी अपॉन क्यू की फॉर्म में और आप उसे डिवाइड करें और वो एक स्टॉप पर आके क्या कहते हैं स्टॉप हो जाए, उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, क्या कहते हैं आपके पास जो है 25/100 लिखा है, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 100 आपके पास बाहर आएगा, ठीक है, 25 आपके पास क्या होगा, अंदर होगा। जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो 25 छोटा है और 100 क्या है आपके पास, बड़ा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे तो यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 100 के टेबल में 200 आता है तो आप कह सकते हैं 100 × 200, ठीक है। तो जब आप इसे करेंगे तो नीचे आपके पास क्या बचेगा, 50 पॉइंट आपने लगाया हुआ है तो यहाँ पर एक और 0 लगा दें तो 105 से क्या हो जाएगा आपके पास, 500। तो ये देखें इसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0। यानी कि रिमाइंडर आपके पास डेसिमल में या किसी भी फॉर्म में, यानी कि रिमाइंडर आपके पास उसका क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। या फिर अगर सिंबल अगर आपके पास जीरो दिया हुआ है तो ये भी आपके पास एक होल नंबर है, स्टॉप हो रहा है, इसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। या लेट्स सपोज अगर आपके पास क्या दिया हुआ है, 2, 5, 6, 7 दिया हुआ है, तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 2, 5, 6, 7 का पॉइंट क्या है, लास्ट में है, यहाँ पर है, तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग की डेफिनेशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो मुसलसल आपके पास क्या हो, रिपीट हो रहे हो, कंटिन्यूसली चल रहे हो, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो हमारे पास इरेशनल भी हम उसे कह सकते हैं, कि वो हमारे पास इरेशनल होता है। ठीक है, उसमें भी कंटिन्यूसली आपके पास मूव कर रहे होते हैं, तब यहाँ पर हमारे पास जो है दोनों तरीके से हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास 0.1/3 को आप सॉल्व कर रहे हो, 1/3 जब आप कंटिन्यूसली, यानी कि 1/3 है, इसे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, इसमें आपके पास यहाँ पर आप 3 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, तो पॉइंट आएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। और 10 की टेबल में, 3 की टेबल में 10 नहीं आता, 9 आता है, तो 3 3 9 माइनस करेंगे, फिर 1 बचेगा, फिर 0 डालेंगे, फिर 9, फिर 1 आपके पास बचेगा, फिर आप यहाँ पे 0, यानी कंटिन्यूसली एक नंबर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, यानी कि आपके पास जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स है वो मूव होते जा रहे हैं, और बार बार उसमें यानी कि नंबर रिपीट भी हो रहे हैं, और देन आपके पास नॉन रिपीटेड, अगर जैसे फॉर एग्जांपल -4/7 है, तो -4/7 का आंसर क्या हो जाएगा, जब आप उसे डिवाइड करेंगे 0.5 7124, इस तरह से कंटिन्यूसली वो क्या रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर जो कंटिन्यूसली डेसिमल के बाद नंबर जो है वो रिपीट हो रहे हो, या कंटिन्यूसली कोई नॉन रिपीटेड हो रहे हो, यानी कि वो मूव कर रहे हो, यानी कि चेंज हो रहे हैं नंबर्स, या फिर उसके मैंने क्या हो रहा है कि वो कंटिन्यूसली चल रहा है, किसी एक जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा। सिंपल रिपीटेड और नॉन रिपीटेड को अगर हम ना भी देखें, जैसे इतना कहें कि डेसिमल के बाद वो नंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और वो एक जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा, उसका कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा, तो जब रिमाइंडर नहीं बच रहा तो वो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर वो रिपीट हो रहा है, यानी कि वो नंबर जो है, अब जैसे कि 3 के बाद 9 10 फिर 8 11 कोई और नंबर आ रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो वो हमारे पास इरेशनल भी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहलाएंगे, यानी कि वो दोनों ही होंगे। ठीक है, तो बस सिंपल अगर आप आपके लिहाज से, यानी कि क्वेश्चन में MCQs में आता है, तो MCQs में जस्ट इतना याद रखिएगा कि MCQs में आपने ये बताना है कि जिसका आपके पास क्या हो, जिस क्वेश्चन को डिवाइड करने से आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग है, और जिसको डिवाइड करने से 0 नहीं आता रिमाइंडर तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। ओके, हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 है। 2.1 में क्या बोले गए, आपके पास कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, 1 से लेकर 12 तक, जिसमें से सबट्रैक्ट रैशनल और इरेशनल नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। आपने क्या करना है, 1 से 12 तक हमारे पास कुछ क्वेश्चन यानी ऑप्शन है, उसमें से आपने अलग अलग करने हैं दोनों में से, यानी कि आप कॉलम वाइज भी बना सकते हो, देन आप क्वेश्चन वाइज भी कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड सोल्यूशन वाइज। ठीक है, तो रैशनल को अलग करना है और इरेशनल को आपने क्या करना है, अलग करना है। तो रैशनल और इरेशनल कैसे अलग होंगे, अभी आपने मैंने डेफिनेशन बताई कि जिसका आपके पास रेशियो निकले, या जिसका आपके पास यानी कि आप स्क्वायर नंबर्स में हो, रेशियो फाइंड आउट हो रहा हो, तो वो हमारे पास रैशनल कहलाते हैं। और इरेशनल क्या होता है, जिसे हम डिवाइड करने के बाद हमारे पास कंटिन्यूसली रिपीटेड यानी कि नॉन रिपीटेड वैल्यूज आ रही हो डेसिमल के बाद, वो हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर होते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट वन हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, 35 का पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, ये पूरा एक नंबर है, ना आप इसका स्क्वायर निकाल रहे हो, ना स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, ना ही आपके पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एक सिंपल एक नंबर है, नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, होल नंबर भी कह सकते हैं, एक नंबर है, तो ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन के बाद हम लिख सकते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है, तो आप कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, देन जो है आप और करके पूरा रैशनल भी वो भी लिख सकते हैं, रैशनल यानी कि आप पूरा रैशनल भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है, रूट 36। 36 का जब आप रूट लेंगे तो रूट आपको पता है किस तरह निकाला जाता है, रूट यानी कि रूट के मतलब क्या होता है आपके पास, 1/2, यानी कि इस रूट की मीनिंग आपके पास क्या है, 1/2 है। तो आप अगर 36 का एलसीएम लेते हैं तो 6 6 36 और 6 1 6, तो 6 1 6 आपके पास एलसीएम आया, और साइड पे जहाँ पे मैंने सर्कल किया हुआ है, इसको अगर हम 36 की जगह पर, यानी कि हम इसकी जगह पर, इसकी जगह पर क्या लिख दें, 6 × 6 लिख दें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 36 किसके बराबर है, 6 6 36 के बराबर है। अब यहाँ पे कितने 6 लिखे हैं, 2 6 लिखे हुए हैं, तो दो में से अगर मैं 1 6 बाहर निकाल दूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये जो रूट है ये खुद बहुत खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस रूट की मीनिंग क्या है, 1/2,
एक बार ही निकाल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक होल नंबर आ रहा है हमारे पास, यानी कि 36 रूट का हमारे पास क्या है, होल नंबर आ रहा है, तो हमारे पास ये नेचुरल नंबर आ रहे, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इसे भी हम कहेंगे कि ये रैशनल नंबर है। सही, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब आपके पास -2, 1/40, अब हमें बताया था माइनस में भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव भी हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट वन आपने क्या करना है, अभी जो -2, 1/40 है, ये मिक्स फ्रिक्शन है। सही है, फ्रिक्शन के फॉर्म में दिया है, मिक्स फ्रिक्शन है, इसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे फ्रिक्शन फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं ये प्रॉपर फ्रिक्शन बनता है या इनप्रॉपर फ्रिक्शन बनता है। तो फर्स्ट वन आपने क्या करना है, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा, 2 0 0 और 2 4 8। अब 80 में आपने, यानी कि 2 4 8 और 80 में आप 1 को आपने क्या करना है, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब आपके पास ऊपर क्या नंबर आया, -81/40। ठीक है, इसका अब आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करोगे, 40 आपने बाहर लिखेंगे, डिनोमिनेटर बाहर और न्यूमिनेटर अंदर, तो 40 को जब 80 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 40 के टेबल में 2 से 80 आता है, माइनस करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। देन 40 को यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ क्या जाएगा, 0। 40 अब बड़ा है, 10 छोटा है, तो मैं एक और 0 लगाऊंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक और 0 आ जाएगा। अब आपके पास, आपको पता है कि 40 के टेबल में क्या है, 100 नहीं आता, तो हम 2 से ही इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और माइनस करेंगे तो 20 आएगा। पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ 0 लगाती हूँ, तो क्या होता है, अब 40 के टेबल में ये 200 हो गया, 40 के टेबल में 200 हमारे पास जो होता है 5 से आता है, तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं, 0.00, यानी कि ये एक कहाँ पर स्टॉप हो रहा है, 2.025 पर स्टॉप हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास यानी कि -2.025 पे सॉल्व हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या दिया है, नेक्स्ट पार्ट है, वो क्या दिया हुआ है, 6 रूट, सही है, 6 पाई दिया हुआ है। पाई की वैल्यू आपके पास क्या होती है, आपको पता है पाई की वैल्यू आपके पास होती है 6 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 से। ठीक है, इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22/7 से, 6 2 12, ठीक है, आपके पास होगा। देन इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारे पास देखें, आपको पता है सिंपल, अगर पाई को भी अगर हम सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू 22/7 को अगर हम डिवाइड करें, सिंपल से 22/7 को आप डिवाइड करते हो तो आपको पता क्या है, ठीक है, 7 बाहर आएगा, 22 अंदर आएगा, और 7 22 7 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 से 21 आप करेंगे, माइनस करेंगे 1। अब 1 क्या है, आपके पास छोटा है, यहाँ पे मैं मुझे पॉइंट लगाना होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। 7 के टेबल में आप 10 नहीं आता, 7 आता है, तो 7 तो क्या बचेगा आपके पास, 3। अब पॉइंट लगा रहे, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगी, 0। तो 7 के टेबल में आपके पास 30 नहीं आता, 28 आ गया, अगेन आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। आप इस तरह से सॉल्व करते जाओगे तो आपके पास रिमाइंडर बचता जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, कितना हो जाएगा, फिर अगेन 2 3 कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, तो जब 22/7 कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, और वही चीज़ जो 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो 6 से जो मल्टीप्लाई होगी तो वो भी कंटिन्यूसली मूव करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल, यानी कि कैपिटल आई और कैपिटल लो आर आप भी लिख सकते हैं, देन आप क्या करते हैं, इरेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। इसी तरह बाकी के पार्ट्स भी देखें, साइड में 7 8 और 11 मैंने करवाए हैं, बाकी जो पार्ट्स मैंने नहीं करवाए वो आपके होमवर्क में जाएंगे, आप लोगों को अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट वन हमारे पास क्या है, 7 2/√5, तो 5 आपको भी मैंने बताया, यानी कि रूट फाइव, यानी कि रूट में आप वैल्यू जब अपने हमारे पास नहीं निकल रही होती है, जैसे कि रूट फाइव है, इसे जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पॉइंट में आंसर आएगा, तो इस वजह से जब ये रूट फाइव पॉइंट में आएगा तो हम जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो वो भी मजीद पॉइंट में चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब 1 का जब आप रूट लेते हो तो 1 ही आता है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरह नीचे क्या है, √9 और √25, तो 9 का अलग रूट लिया, पहले एलसीएम लिया हमने, तो 3 3 9 और 3 1 3, और 5 का 25 का अलग लिया, तो 5 5 5 5 5 25, और फिर 5 1 5, तो वहाँ पर 2 3 में से 1 3 हमने ले लिया, 2 5 में से हमने 1 5 ले लिया। अब जब 3/5 को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 0.6 आ रहा था, और वो स्टॉप हो रहा था, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो इस तरह से आप 2 कॉलम बनाकर, रैशनल और इरेशनल का बनाकर भी दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, और दोनों को सॉल्यूशन वाइज भी आप कर सकते हैं, रफ कॉलम बनाकर डिवाइड करते जाएं और डिवाइड करके चेक करते जाएं कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग
कर सकते हैं, ठीक है। कहा गया है कि आपने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रिक्शन को निकालना है, आपके पास नीचे रैशनल नंबर्स दिए गए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, रैशनल नंबर्स में आपने चेक करना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है। इसमें बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपने क्या करना है, 1/7 को डिवाइड करो। जब आप 1/7 को डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने से आपके पास आंसर अगर कंटिन्यूसली मूव हो रहा है, ठीक है, तो वो इसका मतलब क्या हुआ, वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है, उसे आप कैपिटल एन और टी से लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर वो एक पॉइंट के बाद स्टॉप हो रहा है, रिमाइंडर उसका जीरो आ रहा है, तो आप कह सकते हैं वो टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल भी लिख सकते हैं, देन आप टी भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एक स्टार्ट करती हूँ 1/7, 1/7 को जब मैं डिवाइड करूंगी, यहाँ मैंने 1 लिखा, यहाँ 7, तो 7 1 के टेबल में नहीं आता, तो हम पॉइंट बनाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। अब 7, अब 10 हो गया, 10 बड़ा हो गया, 7 छोटा, तो 7 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 आता है, तो 7 × 7, तो अगेन आप यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3। पॉइंट आपका लगा तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, 0। तब 7 के टेबल में 30 नहीं आता, 30 से छोटा क्या आता है, 7 × 4 = 28 आता है, तो आप क्या माइनस करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2। अगेन जब आप करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, फिर 20 नहीं आता, 40, तो 40 किससे होता है, 2 से, तो माइनस करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या बचेगा, 6। इसी तरह आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो 60 नहीं आता, 56 आता है, तो 56 आप करेंगे तो ये देखिए कंटिन्यूसली मूव हो रहा है। जब 60 में से 56 आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या होगा, 4 बचेगा, फिर आपके पास 40 नहीं आता, फिर 40 का आप करेंगे, ठीक है, 42 आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/7 जो है आपके पास कंटिन्यूसली पॉइंट के बाद नंबर्स चेंज आ रहे हैं और डिफरेंट, यानी कि आपके पास जो है कंटिन्यूसली चल रहा है, कहीं एक जगह पे स्टॉप नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे कैपिटल एन और टी भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और आप जो है कहते हैं नेक्स्ट, आप पूरा भी लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब 2/3 है, 2/3 को भी इसी तरह आपने डिवाइड करना है, तो 2/3 जब आप डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो 3 बाहर आएगा, 2 आपके पास अंदर, 2 छोटा है, 3 बड़ा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0, और 23 के टेबल में नहीं आता, तो आप जब इससे करेंगे तो 18 आता है, और 18 किससे आता है, 6 से आता है, जब माइनस करेंगे तो आपके पास फिर क्या बचेगा, 2। अगेन आप क्या करोगे, 0 लगाओगे, फिर 18 आएगा, तो होगी आप क्या करेंगे, 6 से, फिर अगेन आपके पास माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, फिर आपने 0 लगाया, फिर 18, यानी कि देखें कंटिन्यूसली आपके पास क्या हो रहा है, 6 2 2 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप यहाँ पे कैपिटल एन और टी लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, 0। 0 एक होल नंबर है, यानी उसका पॉइंट कहाँ है, लास्ट में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ठीक है। अब इसी तरह 6 है, 6 में आपके पास −1/5 है, माइनस को अगर आप इग्नोर करें, जस्ट 1/5 को डिवाइड करें, तो आपके पास देखेंगे क्या आंसर आएगा, आपके पास 5, यानी कि 5 × 2 = 10 होता है, तो 0 आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है, तो आपके पास ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 2 2 5 का पॉइंट, 2 2 5 6 का पॉइंट क्या लास्ट में है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास नीचे जो दिया हुआ है 2 4 3 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, 2.43 आएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे पास टर्मिनेटिंग है। बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं, इसे आप बुक में भी सॉल्व कर सकते हैं, देन आप अगर कॉपी में करना चाहते हैं तो कॉलम बनाएं टर्मिनेटिंग का और नॉन टर्मिनेटिंग का, और दोनों को अलग अलग कर लीजिए कि कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग।